भूपुर हाउस की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। साथ ही तीन बार सरकार में रह चुके मंत्री और सबसे कम उम्र की आयु में मंत्री बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज वो हमारे साथ हैं हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचिता शर्मा और चलिए आज उनसे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बातें करते हैं, जानते हैं उनका राजनीतिक जीवन किस तरह का रहा। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपने 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। जी हाँ। और आपकी नजर में आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? हरियाणा में कुल 10 मुख्यमंत्री रहे हैं, 10वें मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हैं और मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ 1983 में। मैं गांव का एक निर्विरोध सरपंच बना, फिर कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर बना, मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना और उसके बाद 1987 में चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से मैं एमएलए बना और मिनिस्टर बना और छोटी उम्र में एमएलए बना। 26 साल की उम्र होगी उससे भी कम शायद जब मैं एमएलए मिनिस्टर बना। और 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब मुख्यमंत्री अपने समय में अपने अनुसार ठीक काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को जनता किसी चीज के लिए पसंद करती है, किसी को किसी काम के लिए ना पसंद करती है। चौधरी देवीलाल को उस समय बुजुर्गों की पेंशन के लिए आज तक याद किया जाता है कि उस टाइम 100 रुपए थे, लेकिन उस समय 100 रुपए की बुजुर्ग की अहमियत थी बहुत ज्यादा उस पैसे की, तो उनको आज तक भी गांव में लोग याद करते कि चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की पेंशन बांधी। और हरियाणा पहला प्रदेश था जो हिंदुस्तान में पहली बार पेंशन बुजुर्गों की दी गई, उसके बाद तो सारा देश अनुसरण करना, बाहरी स्टेट में तकरीबन पेंशन लागू हो गई। उसके बाद मुझे 1996 में चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम करने का अवसर मिला। चौधरी बंसीलाल जी का हरियाणा के निर्माता कहा जाता था कि हरियाणा में बिजली पानी सड़क गांव गांव में पहुंचाई, नया प्रदेश पंजाब से अलग होकर आया था और हरियाणा नया प्रांत बना था। लोग कहते थे कि पंजाब से निकलने के बाद हरियाणा कैसे पनप पाएगा, लेकिन आज हरियाणा चौधरी बंसीलाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हरियाणा को आज पंजाब से आगे किया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी अपने समय में कहलाए। 1996 में कुछ गलतियां सरकार की तरफ से भी हुई और रिवेन्यू का, क्योंकि शराबबंदी प्रदेश में पहली बार हुई थी वो कामयाब नहीं हो पाई और रिवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो पाया, इसलिए कोई विकास के काम इतने नहीं कर पाए। इसलिए वो मैं कहूंगा कि उतनी सरकार जितनी उम्मीदों से लोगों ने बनाई थी वो चौधरी बंसीलाल जी की कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद मुझे 2014 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने माननीय मनोहर लाल जी, उनके साथ मंत्रिपरिषद में स्थान मिला और हमने 5 साल सरकार में काम किया। देश में भी सरकार थी और प्रदेश में भी सरकार थी, बजट की कोई कमी नहीं थी। रोडों का पिछले शासनकाल के दौरान हरियाणा में अच्छा हाल नहीं था, तो हमने रोडों को दुरुस्त किया और एक पॉलिसी लागू करी कि भाई हरियाणा में व्हीकल बहुत बढ़ गए, अब गांव गांव में सवारियां ज्यादा जाती हैं, ज्यादा ट्रैफिक हो गया, तो इस सब रोड 12 फुट के थे, तो हमने कानून बनाया कि नहीं, अब जो भी रोड नए बनेंगे या जो भी रोड रिपेयर होंगे वो सब 18 फुट के होंगे, तो 18 फुट में 2 गाड़ियां आपस में क्रॉस कर सकती हैं, वो पटरी वगैरह कटती नहीं है, तो हरियाणा में रोडों की स्थिति सुधरी और कभी भी कोई बजट की कमी नहीं आई। नेशनल हाईवे ने जितने हमने रिकॉर्ड नेशनल हाईवे बनाए, जो भी हमने प्रपोजल बना के माननीय गडकरी जी के पास भेजी, वो सारी मंजूर हुई और आज वो धरातल पे है कि आज हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमें होटल से यदि सिरसा जाना पड़ता था तो 7-8 घंटे लगते थे, आज मैक्सिमम 4-4.5 घंटे में हम होटल से सिरसा पहुंच सकते हैं। ये कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है जो हरियाणा में छोटे रोड बने और नेशनल हाईवे आज बने। आप, मैं ये मानता हूँ कि पिछले राज में काम ज्यादा मनोहर लाल जी की सरकार में अच्छे काम हुए। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल है कि आपका कौन सा ऐसा कार्यकाल है जिसमें आपको ये लगा है कि ज्यादा विकास कार्य कर पाए हैं या ज्यादा विकास कार्य हुए हैं? मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जो मनोहर लाल जी का शासनकाल 2014 से 2019 का मेरा रहा, उसमें हमने ज्यादा काम करवाए। सर, मेरा अगला सवाल है कि हरियाणा में भाजपा सरकार के मनोहर 2 का 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं जी, तो सर आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार हरियाणा में अपनी सरकार बना पाएगी? देखो, सभी जो सरकारें बनती है सभी कहती है कि हम आगे सरकार बनाएंगे, लेकिन भाजपा से लोग नाराज नहीं है। मैं ये मानता हूं कि कुछ कैंडिडेटों से तो लोग नाराज हो सकते हैं, विधायकों से तो,
लेकिन पार्टी की अभी छवि इतनी बुरी नहीं जितना लोग समझते। तो मेरा आकलन ये है अपनी तरफ से राजनीतिक तजुर्बे के हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। मतलब आपको पूरा यकीन है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आएगी? हाँ, मुझे यकीन है कि जो नाराजगियां हैं वो विधायक के तौर पर जब हम आकलन करते हैं और जब लोगों से पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराजगी नहीं है। सर मेरा अगला सवाल है कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहते हुए आपने गुड़गांव के लिए बहुत सारी योजनाएं मंजूर भी करवाई, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो क्या है जिसकी वजह से गुड़गांव देश के नक्शे पे हाईलाइट हुआ? नहीं, अकेले गुड़गांव में काम नहीं कराया मैंने, पीडब्ल्यूडी वजीर के तौर पर सारे हरियाणा में विकास के काम किए। मैं लोकल मिनिस्टर था इसलिए गुड़गांव का लोग मेरे कहते कि भाई मैंने करवाया, बेस्ट हरियाणा में करवाया, लेकिन गुड़गांव में कई काम अच्छे हुए जिससे गुड़गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हुई। कि गुड़गांव 2014 से पहले इतना जाम की स्थिति रहती थी, नए और गुड़गांव में बड़ा अंतर था। हमने राजीव चौक, इफ्को चौक, हिरोंडा चौक, महाराणा प्रताप चौक, सिग्नेचर टावर, ये कई चौक बनाए जिससे नए गुड़गांव और पुराने गुड़गांव में आवागमन सुगम हुआ। और एक ये जो हमने एक्सप्रेसवे बनाया द्वारका एक्सप्रेसवे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 28 किलोमीटर का कुल रोड है, मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे महंगा रोड है। तकरीबन 9600 करोड़ रुपए 28 किलोमीटर पे लगे हैं और ये ऐसी कनेक्टिविटी है कि दिल्ली और गुड़गांव से यदि हम दिल्ली जाएंगे तो दो कनेक्टिविटी, एक एमजी रोड और एक NH8। सारे दिन इसमें जाम रहता है, एयरपोर्ट जाते हैं तो हवाई जहाज छूट जाते हैं, कोई किसी को रेल से जाना हो तो रेल नहीं पहुंच पाता टाइम पर, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती एम्बुलेंस से। तो तीसरा रोड मेन रोड जो खेड़ के दो लाइन NH8 से शुरू होगा और सीधा एयरपोर्ट और शिव जी की मूर्ति से कनेक्ट कर लेगा, और को सिग्नल फ्री रोड है ये। एक हमने सोना रोड जो अब वो बॉम्बे वडोदरा बन गया, हाँ वो भी एक बहुत बड़ी सौगात मिली गुड़गांव जिले को जिससे आवागमन बड़ी सुविधा हुई। और सोना पहले हम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे पहुंचते थे, अब हम आधे घंटे में बल्कि 15 मिनट में सोना तक पहुंच जाते हैं। सर मेरा अगला सवाल है कि आप 2014 में मंत्री बनने के बाद आपने हरियाणा में, पूरे हरियाणा में एक सड़कों का जाल बिछा दिया, तो जहां गुड़गांव और दक्षिण हरियाणा सड़कों का बहुत अच्छा इंतजाम करवाया गया, सड़कें बनवाई गई, लेकिन जिनकी हालत उस समय बहुत अच्छी थी जो आज अच्छी नहीं हुई, तो इसमें आप किसकी कमी मानते हैं? नहीं, सरकार का बजट तो उतना ही कम नहीं है जितने हमारे समय में था, उससे किसी, मेरे को लगता है कि उस बजट से तो ऊपरी बजट 100-200 करोड़ रुपए हर साल फालतू बढ़ के मिलता है। कुदरती ये बात रही कि 2 साल कोरोना की महामारी रही, उस वजह से उतने विकास के काम नहीं हो पाए जितने लोगों ने उम्मीद करी थी कि 2014-2019 के बीच जो विकास के काम हुए हैं वो इसलिए कोरोना की एक महामारी की वजह से नहीं हो पाए। अब अभी समय पौने 2 साल हरियाणा सरकार का बच रहा है, मेरे को उम्मीद है कि वो सारे रोड जो टूटे हुए सब ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी सर्दियों के दिनों में रोड हम ठीक नहीं कर पाते, जब मिनिमम टेम्परेचर 16 से ऊपर होता है तब हम काम शुरू करते हैं, तो 20 फरवरी के बाद रोड की रिपेयर शुरू हो जाएगी। आने वाले 3-4 महीने में लोगों को लगेगा कि रोडों पे भी काम होगा। सर आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सबसे प्रिय नजदीकी माना गया है कि आप उनके बहुत नजदीक है, लेकिन 2019 के चुनाव में आपको टिकट नहीं दी गई, तो कहीं इसका रीजन ये तो नहीं कि आप मुख्यमंत्री के बहुत करीब थे जिसका भुगतान आपको इस तरह से करना पड़ा, या आपको लगा कि उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ? नहीं, ऐसा नहीं, राजनीति में कई बार शतरंज की चाल चलते लोग खिलाफ वाले भी होते हैं वो भी चल देते हैं, कई बार राजनीतिक आदमी शिकार भी हो जाता है। अब मैं ये तो नहीं कहता मेरी ज्यादा नजदीकियां थी, हाँ नजदीक तो जो मंत्रिमंडल का साथी होता है सभी नजदीक होते हैं, मैं भी उनमें एक मंत्रिमंडल का साथी था, नजदीक था, आज भी नजदीक है, ये कोई बात नहीं। लेकिन किस कारण हुए तो पार्टी हाईकमान ही बता सकते कि किस कारण टिकट काटी, मुझे तो आज तक पता नहीं लगा मेरी टिकट क्यों कटी। चलिए सर अगला सवाल है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका डंका बच जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी, आप किस तरह की रणनीति अपनाएंगे? हरियाणा में पारदर्शिता की सरकार दी है, तकरीबन ऑनलाइन काम होने लगे हैं, और मैं ये कह सकता हूं पिछली सरकारों की बनिस्पत करप्शन कम हुआ है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बहुत अच्छी आई है, अब सेक्रेटरीट में भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी, एक बटन दबाने से सबके अपने समय अनुसार उनका ट्रांसफर हो जाता है, बहुत फर्क पड़ा है। बिजली बहुत, तकरीबन गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, पानी की बहुत सुविधा करी है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया गया, सब्सिडी दी गई है, आम आदमी को पहले से ज्यादा सहूलियत दी गई है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। चलिए मेरा अगला सवाल है कि 2019 में बादशाहपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने आपको टिकट ना देकर के जीती हुई सीट एक निर्दलीय को झोली में डाल दी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज
उस पर बहुत मानिए मतलब नजर है लोगों की, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इस बार आपको क्या लगता है? नहीं, बादशाहपुर सीट जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है और इसमें शहर का और ग्रामीण का मिक्सचर है। तकरीबन 4.5 लाख के आसपास वोट है, आधे शहर के मतदाता आधे ग्राम के मतदाता है। तो हर आदमी ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी की वोट शहरी वोट है उसमें से मिल जाएगी, लेकिन जब तक आदमी की निजी पकड़ नहीं होगी वो कामयाब नहीं हो सकता। तो जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते वो पहले 2 चुनाव लड़ चुका था और उसकी निजी पकड़ बहुत अच्छी थी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी भी हरा पाया। सर मेरा आखिरी सवाल, 2024 में आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना जलवा बरकरार रख पाएंगे? ये मेरा आकलन ही नहीं, सारे देश की जनता ये कह रही है कि 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं, तो तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और दुनिया का हिंदुस्तान का कोई आदमी ये कह ही नहीं सकता कि कोई पार्टी मुकाबले में, इसलिए तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे हमारे साथ राव नरवीर सिंह, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में हमारे साथ चर्चा की। इसी तरह से आपके सामने खास प्रोग्राम में खास मुलाकात में हम आपको दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ दैनिक भरोसा में।